हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टडी द केमिकल बर्निंग। पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे आयंस पर, जिसमें हमने दिखाया था आयन टू टाइप्स होगा, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। उसी आधार पर हम आज डिस्कस जो करने जा रहे हैं वह केमिकल बॉन्डिंग पर करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग है क्या? तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक एटम दूसरे एटम के साथ जिस फोर्स से अटैच होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। यानी हमें डिस्कस करना है केमिकल बॉन्डिंग। हम केमिकल बॉन्डिंग में क्या कर रहे हैं? एनी मॉलिक्यूल्स का एटम एक दूसरे एटम के साथ जिस फोर्स से अटैच होगा उस फोर्स को हम बोल रहे हैं कि वह कहलाएगा केमिकल बॉन्डिंग। द फोर्स बाय विच वन एटम इज अटैच another in a molecule is called chemical bond। सीधा बताया जा रहा है, एक मॉलिक्यूल्स में एक एटम दूसरे एटम के साथ जिस फोर्स से अटैच होगा वह फोर्स को बोला जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमने बोला था कि हर एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए वह जनरली चाहे तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है या इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और उस आधार पर हमारे यहाँ केमिकल जो बॉन्ड होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं और दूसरा जो होते हैं वह आयनिक। यानी अगला टॉपिक्स पर हम लोग टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो हमने दो पार्ट्स में बात करें, एक मेरे पास है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, दूसरा मेरे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी बॉन्ड कितने प्रकार के? अभी आप लोग के लिए टू टाइप्स में हम लोग दे रहे हैं। नंबर एक इलेक्ट्रोवैलेंट, या उसी को दूसरे शब्द में हम बोल रहे हैं आयनिक, और दूसरे मेरे पास जो है वह कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों बॉन्ड को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन और उसी प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जनरली यहाँ सीधा दिखा रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक आयन फॉर्मेट होगा, यानी इस बॉन्ड में आयन फॉर्मेट होगा। आयन फॉर्मेट आयन यदि फॉर्मेट हो रहा है तो दो तरह से हुआ, चाहे चाहे तो इलेक्ट्रॉन ले करके या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। और ऐसी स्थिति में टू टाइप्स ऑफ आयन थे, एक कैटायन था एक कैटायन। और वैसी स्थिति में हम अब डिस्कस करने के लिए तैयार है वह होगा इलेक्ट्रोवैलेंट। कौन कौन? इलेक्ट्रोवैलेंट। हम लोग जो पढ़ने के लिए है वे है मेरे पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशन होगा, कुछ शर्तें होंगे जिसके तहत ये बॉन्ड परमिट होगा। सबसे पहला कंडीशन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब उसका मेंबर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैट इज वन मेटल होगा और दूसरा जो मेंबर होगा
वह इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, नॉन न्यूट्रल होगा। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वही बनेंगे जिसके कंपोनेंट्स ऑफ मेंबर्स एक एटम मेटल का होगा, दूसरे जो होंगे नॉन मेटल का होगा। हमने इसके लिए पीछे दिया है कि मेटल एटम्स वही होंगे जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी नॉन मेटल मेंबर वही होंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6 और 7 होंगे। यानी ऐसी स्थिति में जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होगा और दूसरे मेंबर का 4, 5, 6, 7 होंगे, वह जनरली बॉन्ड फॉर्मेट करेगा, वह करेगा आयनिक बॉन्ड। नंबर टू में हमारे पास जो होगा वह केटायंस एंड एनायंस, चार्ज जो होना चाहिए वह लो होना चाहिए, यानी जो चार्ज बनेंगे उन पर वह जनरली लोवेस्ट होगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास आएगा कि कहीं भी इलेक्ट्रो बॉन्ड फॉर्मेट बॉन्ड तब होंगे जब रेडियस ऑफ केटायंस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एनायंस होगा, यानी इनकी त्रिज्या केटायन की त्रिज्या रेडियस बड़ा होगा, एनायन का रेडियस छोटा होगा। चौथी कंडीशन हमारे पास आ रहा है कि एक डेल्टा आई एच, जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ एन्थैल्पी, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल आयनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। दूसरी चीज मेरे पास एक है डेल्टा ईजी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। ये जनरली बोलता है यह शर्त है कि यह लो होना चाहिए और यह शर्त है कि इनके पास हाई होना चाहिए। यानी कहीं भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक मेंबर के पास एक एटम ऐसा होना चाहिए जिनके पास आयनाइजेशन ऑफ एन्थैल्पी लोवेस्ट होनी चाहिए, इसलिए इजिली वे में इलेक्ट्रॉन का वह लॉस करे, और दूसरे मेंबर वैसा होगा जिसको इलेक्ट्रॉन एन्थैल्पी हाई हो, जिससे वह इजिली वे में इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना, हम पीरियोडिक टेबल पर चलते हैं। पीरियोडिक टेबल्स में जनरली वर्टिकल लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। वर्टिकल लाइन को हम ग्रुप बोलते हैं, ये ग्रुप है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह का मेंबर आपके पास टेबल मिले। ग्रुप की संख्या आगे चलेंगे तो मेरे पास लॉन्ग फॉर्म में 18 होगा, पीरियड की संख्या नंबर ऑफ पीरियड 7 होगा। इस दोनों पर डिस्कस करेंगे तो किसी भी ग्रुप में अति किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट पर चलना शुरू करेंगे तो डेल्टा ईजी एच और डेल्टा आई एच दोनों इंक्रीज कर जाए। दोनों क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। यानी ऐसी स्थिति में डेल्टा आई एच जो होगा और डेल्टा आई एच यानी आयनाइजेशन ऑफ एन्थैल्पी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कम होगा, और गेन ऑफ एन्थैल्पी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब कि वह लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये सभी देखा जाए, एक पीरियड नंबर टू पर चल रहे हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, न्यून हम तो लेंगे नहीं क्योंकि वह किसी प्रकार का बॉन्डिंग फॉर्मेट
नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में चलिएगा, तो यहां से यहां तक चला जाए तो डेल्टा आई एच भी इंक्रीज करेगा और डेल्टा ईजी एच भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने की नेचर इनके पास ज्यादा होगा, इनके पास कम होगा। इनसे जब मेजर किया जाए तो ऐसे कर जा रहे हैं। इसका मतलब ये जितने इजिली में इलेक्ट्रॉन देंगे इतनी भी में नहीं देंगे। इसका मतलब ये भी हम बताए कि यह मेंबर जो होते हैं वह ये इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी नहीं लेंगे, ये जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेंगे ये नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन लगेगा, जिस कंडीशन पर आगे चलना कीजिएगा तो सीधे पलट जाएगा ऐसे, लेकिन इसकी चर्चा बाद में हम करेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इजिली में ज्यादा लेंगे और इजिली में इलेक्ट्रॉन जल्दी देंगे। इसका मतलब कि किसी भी पीरियड में आते हैं तो मेटालिक नेचर इंक्रीज डिक्रीज करती है और नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज करती है। यदि हमने टॉप टू बॉटम की ओर चला जाए, किसी भी ग्रुप पे टॉप टू बॉटम, तो ये दोनों के दोनों डिक्रीज कर जाते हैं, दोनों के दोनों डिक्रीज करेगा। ऐसी स्थिति में ग्रुप 17 का आपको हैलोजन, जिसको हमने बोला थक्कल बरियार, और यदि बारगेट में तो हमने आपको सिखाया है हाय लिली नाकना रबसे। इसका मतलब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे किनके कंपेरिजन में, लिथियम के तुलना में। ये जल्दी देंगे किनके तुलना में, पोटेशियम के सोडियम के तुलना में। पोटेशियम जल्दी देंगे के तुलना में, ऐसे ये जल्दी देंगे। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसके आधार पर हम आगे चलेंगे तो विचार करेंगे। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन लेने की स्थिति में चला जाए तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेंगे इनके कंपेरिजन में, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेंगे इनके कंपेरिजन में। लेकिन यहाँ ऐसे में चल करके थोड़ा सा चेंजेबल दिखाएंगे, लेकिन इसको कारण का रीजन का एक्सप्लेनेशन या डिस्कस हम लोग तब करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में यदि चलेंगे तो वहां पर पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। तो पीरियोडिसिटी में ऐसा चर्चा आएगा कि होना चाहिए था फ्लोरीन क्लोरीन को, लेकिन हो जाती है क्या क्लोरीन को। लेकिन ऐसी स्थिति में तत्काल ही याद रखना कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो डेल्टा आई एच और डेल्टा ई जी एच दोनों इंक्रीज करेगा। किसी भी पीरियड में या किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो दोनों इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एक मेंबर यहाँ का एक मेंबर यहाँ का, ये दोनों आयनिक बॉन्ड फॉर्मेट करेंगे। यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेट होने के लिए चार कंडीशन हमने दिखा रहे हैं, जिसमें पहला दिखा रहे हैं कि केटाइन और एनायन का चार्ज लोवेस्ट होना चाहिए, बहुत बड़ी चार्ज नहीं होनी चाहिए। दूसरी केटाइन की त्रिज्या सॉरी एनायन से बड़ा होनी चाहिए। तीसरी चीज एक मेंबर और दिए थे कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेंबर होनी चाहिए, दूसरी इलेक्ट्रो नेगेटिव होनी चाहिए। चौथा हमने देखा रहे कि डेल्टा आई एच यानी आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी या पोटेंशियल लोवेस्ट होनी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। पांचवा कंडीशन हम आपको देने के लिए तैयार है, वह इलेक्ट्रॉन परफेक्टली ट्रांसफर होना चाहिए, परफेक्टली ट्रांसफर होना चाहिए। ये सारे कंडीशन जब हम देख रहे हैं, पांचों कंडीशन, इस पांचों कंडीशन की स्थिति में हम रियल पर इस पे पहुंचने के लिए तैयार हैं कि किसी भी अभी तत्कालिक में बॉन्ड फॉर्मेट होगा इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, तब जब एक मेंबर मेटल होगा और दूसरा मेंबर क्या होगा। लेकिन कंडीशन आपसे मांगा जाए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेट कब होंगे, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेट तब होंगे जब एक मेंबर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो। इसका मतलब एक मेटल हो और दूसरा मेटल। दूसरी चीज केटाइन और एनायन का चार्ज लोवेस्ट होनी चाहिए। तीसरी चीज कंडीशन दे रहे हैं केटाइन का रेडियस एनायन के रेडियस से छोटा होनी चाहिए।
चौथी कंडीशन देना है कि एनिजेशन ऑफ एंथैल्पी या पोटेंशियल लोवेस्ट होना चाहिए और दूसरे मेंबर का यानी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। पांचवा कंडीशन हमने दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन परफेक्टली ट्रांसफर होनी चाहिए, तब वहां बनेंगे वह बनेगा आपके पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए हम चल रहे हैं, तो डिफाइनिंग कंडीशन में हम लगा रहे हैं कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर ईच नोन एज ए केमिकल नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। क्या कहें, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज ए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन एक शर्त रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो कंपाउंड फॉर्मेट होगा उस कंपाउंड को जनरली बोला जाता है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड कंटेनिंग containing ionic or electrovalent bond e bond at आयनिक और इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड्स। द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज एन आयनिक और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। यानी ऐसी स्थिति में जिस कंपाउंड्स में जनरली आयनिक या इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बनते हैं प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड्स को जनरली हम आयनिक या इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ऐसी स्थिति में एग्जांपल दिया जाए तो एग्जांपल नंबर एक में डालते हैं, एग्जाम्पल वन में हम डाल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड
सोडियम क्लोराइड को फॉर्मेट करें। पांच कंडीशन में हमारे पास था कि एक मेंबर मेटल होना चाहिए, दूसरा मेंबर नॉन मेटल होना चाहिए, यानी ऐसे स्थिति में एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू और थ्री होनी चाहिए, दूसरा का फोर फाइव सिक्स सेवन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन मेरे पास था कि जनरली चार्ज जो होनी चाहिए लो होना चाहिए। तीसरा कंडीशन मेरे पास था डेल्टा ईजीएच हाई होनी चाहिए और डेल्टा आईएच लो होना चाहिए। तीसरी चीज केटायन का रेडियस जो होना चाहिए वह एनायन के रेडियस से ग्रेटर होना चाहिए। चौथा के बाद मेरे पास पांचवा कंडीशन था कि इलेक्ट्रॉन परफेक्टली ट्रांसफर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में यहां सीधा आ रहा है कि यह मेटल है ये नॉन मेटल है, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन है। ऐसी स्थिति में ये जनरली पीरियड थ्री का मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ग्रुप वन का सोडियम है और ग्रुप 17 का आपके पास क्लोरीन है। और हमने बोला था कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे, राइट जाएंगे तो डेल्टा आई एच और डेल्टा ई जी एच दोनों इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब कि इनके पास डेल्टा आई एच लोवेस्ट है और डेल्टा ई जी एच भी लोवेस्ट है, तो डेल्टा ई जी एच लोवेस्ट होने के कारण इजिली में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इजिली में भी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। लेकिन इनके पास यदि चला जाए तो डेल्टा आई एच बड़ा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, लेकिन डेल्टा ईजी एच हाई होने के कारण ये इजिली वे में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी चीज इनकी किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो एटॉमिक साइज जो होती है वह डिक्रीज करते हैं किसी भी पीरियड से लेफ्ट की राइट की ओर। तो वह क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यह रेडियस में बड़ा होगा, सोडियम का रेडियस में बड़ा होगा, ये रेडियस में क्या होगा, छोटा होगा। और ऐसी स्थिति में हम मेजरमेंट जब करने के लिए तैयार है तो अभी हम दोनों का कॉन्फ्यूगरेशन नोट करें। कॉन्फ्यूगरेशन में हम मेजर करने के लिए तैयार है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब 281, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका मतलब 287। ऐसी स्थिति में इनका नियरेस्ट नोबेल गैस न्यून है जिनकी एटॉमिक नंबर 10, यानी इनकी कॉन्फ्यूगरेशन 8 होगा। वह आर्गन है जिनके एटॉमिक नंबर 18, कॉन्फ्यूगरेशन 2, 8 और 8। इसका मतलब इनको सोडियम के यहां पहुंचने के लिए, इनको सोडियम को नियोन के यहां पहुंचने के लिए एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा, और इनको क्लोरीन के यहां पहुंचने के लिए आर्गन के यहां पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब थ्री ऑर्बिट का ए भी है लेकिन नियरेस्ट नियोन है। इसकी स्टेबिलिटी होने के लिए इसकी यदि हम दिखा रहे हैं तभी इनकी गेन ऑफ एंथैल्पी लोएस्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, लेकिन इनके पास आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी लोएस्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन को इजिली में ट्रांसफर करेगा। इनके पास कंडीशन आ रहा था इनके पास आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी हाई है इसलिए इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेकिन गेन ऑफ एंथैल्पी हाई होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ये जनरली आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, यानी ऑक्टेव स्टेबल ऑर्बिट पर ऑपरेट कर लेगा, और ये जनरली एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ये नियोन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा और जनरली स्टेबल ऑक्टेव की प्राप्ति कर लेगा। नतीजा दोनों स्टेबल होगा, लेकिन जिस समय सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उस समय सोडियम सोडियम आयन में कन्वर्ट कर जाएगा और वह इलेक्ट्रॉन यदि क्लोरीन एक्सेप्ट करता है तो उस समय क्लोराइड में कन्वर्ट कर जाएगा और दो अपोजिट पोल बन जाएंगे। नतीजा रिएक्टेंट यहाँ काम करना शुरू कर देगा,
कूलम्बिक फोर्स, नतीजा एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो इस समय बनेगा जो मॉलिक्यूल वह जनरली सोडियम क्लोराइड कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में इनका फॉर्मेशन पर यदि देखा जाए तो हमें मिलेगा कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 दिखा रहे हैं। हमने बोला है यानी बॉन्ड फॉर्मेट होने के लिए इलेक्ट्रॉन का परफेक्टली ट्रांसफर होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रॉन यदि क्लोरीन को ट्रांसफर कर रहा है तो ट्रांसफर के समय सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सोडियम आयन कन्वर्ट कर जाएगा, लेकिन क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर जाएगा और ऐसी स्थिति में ये अस्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण दो अपोजिट पोल बन जाएंगे। और दो अपोजिट जब पोल बनेंगे तो जनरली यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्बिक फोर्स बनना शुरू कर देगा और वैसे स्थिति में ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। और ऐसी स्थिति में इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट फॉर्मूला या लेविस फॉर्मूला। यदि आपको सोडियम क्लोराइड का लेविस फॉर्मूला लिखने की बात आए तो सीधा सीधा लिख दीजिएगा सोडियम पर एक आयन और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण इस पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बनेगा। और ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेट होगा वह जनरली कहलाएगा सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार और कंपाउंड को फॉर्मेट करेंगे, लेकिन इस पार्ट पर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।